अरे वाह कितना सुंदर है। आई लव टू बी कॉल्ड दैट डे। अरे बाप रे देखो देख रहे हो पूरा जंगल दिख रहा है। चल लोग बाग खाएंगे क्या यहाँ पे रेस्टोरेंट बाकी है अजमेर रेस्टोरेंट बिल्कुल थर्ड क्लास खाना उस और भूल के मत जाना भूल कर भी मत जाना मत क्या करूँ बाबू वो कुर गया देखो हिरन का बच्चा देखो कौवा खा रहा है बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये कैंपस है पूरा कमांड सॉरी जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए माउंट आबू जा रहे हैं और यहाँ की देखो लाइफ देखो बच्चों के जो कैसे स्कूल एजुकेशन के लिए जाते हैं बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये कैंपस है पूरा कमांड जेके लक्ष्मी का सीमेंट है फैक्ट्री और छोटा सा गाँव कैसे
पूरा जंगल में मोर ना था, किसने देखा? मैंने देखा। बंदर भी है, मंदिर भी है। ऊपर चढ़ देखो, ये खोलेगा तो अभी सुंदर दिखता। चल हो गया, कितना देख। अरे उधर भी है, हो गया, बहुत देख लिया। यही खुला है क्या? अभी यही खोला था। चल चल, खुला देखा, निकाला फोटो। आया हुआ जो नया प्रोसीजर अभी बनाया है लोगों ने कल्चर चालू करा है। अनार की खेती नहीं है अभी, ज्यादा नहीं, 8-10 साल से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, पूरी अनार की खेती होती है? पूरी अनार की खेती है। पीछे भी बहुत सारे सभी अनार खेती वाले थे। इसमें क्या टेस्टिंग वगैरह करके फिर उसको कौन से जमीन के लिए क्या यूजफुल रहेगा उस हिसाब से वो। अच्छा, सॉइल टेस्ट करके। हाँ, ये देखिए अनार की खेती है। अनार की खेती पूरा, मतलब इस एरिया को अनार खेती में डेवलप कर दिया गया। सेब वाला देखे थे, अब ये अनार वाला देखने मिल रहा है। कश्मीर में सेब की खेती थी, थोड़े थे, यहाँ पूरा अनार की खेती है। सिर्फ अनार 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 अनार। ये भी हम लोग हैं जैसलमेर से माउंट आबू रोड पे, इसके बीच पे हम लोग चल रहे हैं।
जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। पहाड़ बदली रोड गाड़ी क्या बेहतरीन यार, क्या बेहतरीन सीन है, ऐसा चीज देखना चाहिए। छोटा माउंट आबू बोले ना, छोटा माउंट आबू बोले, अच्छा लगा व्यू, देखो आप कितना अच्छा, बहुत अच्छा व्यू, वही तो बोला व्यू देखा ना। अरे वाह कितना सुंदर है, कितना मस्त है भाई, इतना बाहर चल रहा है, उड़ेगा 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 अब उड़ेगा। कचौरी वगैरह थी जो उसको बस के लिए देख रखा था, वही बात आज कुछ नहीं, आज क्या हो गया, कल क्या हुआ मालूम है, कल अच्छे से शाम तक के पूरा भन्न भन्न पूरा अच्छे से खाली हुआ, रात को अच्छा था। आप वहीं वहाँ खाएगी नहीं खाएगी पीएस वाले
कंचनगंगा यहाँ तो ना रहेगा। कंचनगंगा आपने कहाँ देखा था? मसूरी। बड़ा रेस तो याद रहेगा मेरे को, मेरे लाइफ में नहीं भूलूंगा वो रेस। ये रेस देख के तो मेरा कोई विचार बना है, मेरे मिसेज वगैरह इनको बच्चों को एक बार लाऊंगा। हाँ, एक बार अच्छा चीज है वो दिखाने के लिए। रेस तो जरूर करवाऊंगा वहाँ पे, बता देना। मत भाभी डर जाएंगे। फिर हम तो जान जाऊंगा, जान जाएंगे वो कितना बड़ा फट्टू है। माउंट आबू में लेक की बोटिंग कर रहे हैं। फोटो ले लूँगा तो मतलब पता ही नहीं चलेगा साला कब पीछे से दिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं जगह दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। देखो पर्सनल वोटिंग कर सकते हैं, 200 रुपये पर हेड है पर्सनल वोटिंग का, तो आपको 400 रुपये पर हेड देना पड़ेगा। जैसे हमने 3 का दिया है 1200 रुपया, और अगर 5 लोग हैं और एक वोट पर जाएंगे तो 200 रुपये पर हेड। देखो वहाँ कपल लग था क्या पास तेज बोटिंग, मतलब हम भी खेलते थे पहले, खेल रहे तेज बोटिंग। फुट फुट कैसा है? अच्छा पार्ट है, अच्छा। उदयपुर पे 2 दिन रहना अच्छा है कि कुंभलगढ़ जाना अच्छा है? उदयपुर में झीली झील है, कुंभलगढ़ से अच्छा उदयपुर में रहना दिन अच्छा है कि कुंभलगढ़ एक दिन रहना अच्छा है? सेम ही है, कुंभलगढ़ हो या उदयपुर एक ही है। यहाँ पे कोई एक तो फोर्ट है कि जो 9वीं सदी का, यहाँ पे कोई एक तो है क्या यहाँ पे भी? यहाँ पे सब कृषि का नहीं, कुछ किला है क्या? किला नहीं है, किले वो अचल कट गए, वो बाकी अब सब कंडर पड़े, वो टूट गया सब। अच्छा नहीं, वो मतलब नहीं है, मतलब एक ये घूमने वाला जगह है और कोई नहीं होता। एक भीलवाड़ा जैन मंदिर सर। अच्छा, इसके बाद एक जैन मंदिर जाओ, बस 2 ही पॉइंट ठीक है। ऐसे 4 पॉइंट माने हुए सर, कृषिकर, भीलवाड़ा जैन मंदिर, नक्की जी और सनसेट। सनसेट तो अभी होता नहीं सर बारिश के कारण। अच्छा नहीं होता है। और लवर पॉइंट कौन सा बोलते हैं? लवर पॉइंट सर पॉइंट है, उसके 4 के 5 नाम है सर, हनीन पॉइंट, अनादरा पॉइंट, गणेश पॉइंट, सुसर पॉइंट, लवर पॉइंट। अच्छा अच्छा, एक ही का 4 बाकी वो मैम लेके गिना गिना जाना पड़ेगा सीधे हनीन पॉइंट। मतलब वो देखने लायक जगह क्या ऐसे ही होता है फिर? मतलब देखने लायक हमने खाई है नीचे सर। अच्छा अच्छा, मैं तो कपल उपल लोग के लिए सब ठीक है। आप क्या कितना साल हो गए करते हुए? 15-16 साल हो गए। आपका नाम? अशोक। अच्छा अशोक जी घूम जा रहा, बोले आप ही है अशोक जी। हम लोग यूट्यूब
सर का ड्राइवर का नाम इसलिए भेजते हैं कि कौन सा राउंड है कौन सा राउंड नहीं है, हाफ राउंड है कि फुल राउंड है, इसके हिसाब से हमारे को भेजते हैं। अच्छा सही, अपना हाफ राउंड है, फुल होता था घुमा के लेकर आना पड़ता पूरा लेकर राउंड है। मैं तो पूछा आधा घंटे का राउंड बोले, आधे घंटे का जैसे एक घंटे का लेकर पूरा लेकर आना पूरा ले। मतलब वो इसलिए नहीं पूछे होंगे कि शायद इतना कोई घूमता ही नहीं होगा ज्यादा। सर घूमने वाले घूमते भी है, बाकी अधिकतर जैसा कोई कस्टमर बोलता है हम आधे घंटे के लिए, बोले हमारे को पूरा घूमना था, फिर वो अंदर से हम लोग घुमाते थे। तो बताया नहीं हमको, बोलते तो हम पूरा करवा लेते हैं। अभी अगर घूमने की इच्छा तो बता दीजिएगा, मैं घुमा दूंगा आपको अंदर पूरा। हाँ तो घुमा दीजिए ना कम से कम, और क्या पैसा नहीं पैसे देना, कितना देना पड़ेगा उसके लिए? और ऐसा देखो अगर टिकट लेके घूमोगे तो पे करना पड़ेगा, मेरे को दे देना मेरी मेहनत सर। हाँ तो आप दे देंगे ना, क्या देना पड़ेगा आपको? अच्छा वो वाला ऊपर वाला, इसका नाम है सर जयपुर पैलेस होटल। अच्छा जयपुर पैलेस होटल, अभी दिया कुमारी समान। अच्छा नहीं जो नहीं जयपुर जयपुर की है वो। हाँ जयपुर की है तो पहले महल था, पहले महल था, मैं इसको होटल में कलर किया। तो ये ऑनलाइन तो दिखा नहीं रहता, देख गया था ऑनलाइन पे, ऑनलाइन पे सर देख नहीं पाए होंगे। अच्छा दिया कुमारी जी का ये पैलेस सही है सर, ये जोधपुर का राजा कस सिंह। अच्छा ये वाला जो ये भी इसको होटल में कन्वर्ट कर रहे थे, बाकी गवर्नमेंट ने सही मार दिया। अच्छा इसको नया बनाने से कर दिया ऐसे रहेगा, अलाउड ही नहीं। अच्छा मतलब वो टूरिस्ट के लिए नहीं, टूरिस्ट ने ऐसे खंडर पड़ा हुआ। क्यों ऐसे क्यों करते हो? होटल बनाने नहीं दी गवर्नमेंट। अच्छा आप नहीं बना दे, यहाँ पर सर क्या नया मकान भी नहीं बना सकते। वैसे भी सिटी में इतना ज्यादा वो हो गया है कि आप तो पब्लिक मतलब आप तो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। तो आप ऐसा गवर्नमेंट कॉटेज है, 11 कॉटेज बना हुआ सर, राजस्थान है, गुजरात है, कोई मिनिस्टर है, एमएलए उनके लिए। अच्छा वो गवर्नमेंट कॉटेज है। हां ये गवर्नमेंट कॉटेज है। अच्छा उन लोग आ रहे थे जैसे आपकी जान राजस्थान नॉर्डर राज्य बनाते हमारा। अच्छा वो वाला, अच्छा राजस्थान के गवर्नर का सर ठीक है ना? अच्छा वो गवर्नर गवर्नर का पैलेस वो है राजस्थान में, अगर आएंगे तो पता पता कुछ पता नहीं रहे तो मतलब ये आदमी आके ऐसे घूम के चले आता है। ये टॉर्डर का मेंढक होता है ना सर, ये पब्लिक जो ऊपर चढ़ेगी सर, ये पत्थर में नेचुरल शेप है इसका, मेंढक आकर का ये कुदरती बना हुआ ऊपर जाने के लिए स्टेप बना हुआ मैम सामने से। अच्छा अच्छा वहाँ का, अच्छा जो ऊपर पे खड़े हैं जो। हाँ सर। अच्छा वो सीढ़ियाँ है। हाँ मैम ये सीढ़ियाँ देखो सामने पब्लिक जाती है ऊपर। अच्छा वहाँ से सीढ़ियाँ बनाओ ठीक ऊपर तक जाने एकदम ऊपर तक। बाकी डेढ़ सौ के आसपास है बाकी तो मैं ये पूरा लेके किनारे में पूरा हुआ वॉकिंग कर सकता 3.5 किलोमीटर अगर गिर गया तो। हाँ पूरा वॉकिंग रोड है। कौन से कौन से राउंड घूमने की मतलब मतलब माउंट आबू हाफ डे का टूर है बस। हाफ डे का टूर है तो भी सही बोला, मतलब हमारे जो ड्राइवर सही बताया। चलिए इधर बैठ के पानी से कर ले पापा वीडियो। हां चल तू कर, मैं तो कर दूंगी कल। हां आपको अच्छा अच्छा ये जा रहा था, ये जो और से आ ना थोड़े वगैरह ये अनइन पॉइंट जाएगा सीधा। अच्छा यहाँ से सीधा हनीमून पॉइंट है, बाकी वहाँ पैदल जाना पड़ता सर, गाड़ी नहीं आ रहा वो सर, बुधवार से बुधवार गाड़ी जा रहा है। अच्छा नहीं फिर पैदल जाओ, फिर पैदल दूर है। हाँ मैम 1.5 किलोमीटर आसपास पूरे आबू के अंदर, मतलब गणेश जी का मंदिर वहीं है। अच्छा आप उधर पे। अच्छा बाकी दिन मतलब चलती है गाड़ी? बुधवार के दिन गाड़ी चलती है बस, ऐसे बंद रहता है, बुधवार से बुधवार खोलते हैं। अच्छा हम लोग एक ही बार, हफ्ते में एक ही बार। और हम लोग गलत दिन आए ना, मतलब शनिवार को मतलब गलत दिन आ गए ना हमको, शनि रवि को नहीं आने का, ज़्यादा पीट रहता है ना। मैं तो सर्च नहीं कर पाया, माउंट आबू जाना है जाना है ऐसा करके। हम लोग जयपुर से आए बीकानेर, बीकानेर से आए जैसलमेर, जैसलमेर से आए माउंट आबू, फिर उदयपुर जाएंगे या कुंभलगढ़ सोचे थे। तो गवर्नमेंट कॉटेज क्या अच्छा कॉटेज बना है, और ऊपर चढ़ने के जाने के कैसा रहता है रास्ता? हर कॉटेज के आगे गाड़ी खड़ी है, अशोक गहलोत ने खरीदा था। अरे भाई नेता लोग ही पूरा खरीद कर रखे हैं, बाकी सर खरीदा था बाकी उसके अंदर होटल को कन्वर्ट करें, बाकी कोई रुकता नहीं उसमें। क्यों भूत बुला ज़्यादा है उसमें, भूत भूत ज़्यादा है भूत नहीं उसके अंदर टिकने ही नहीं रहते कम से कम इसमें सेट नहीं था मैम, कम से कम 8 के 15 चेंज हो गए। हां खरीदा और रिटर्न दे देता,
महीना अच्छा सबूत सबूत पकड़ा है अरे पता नहीं तो आदमी रुक जाता है वहीं से अच्छा आप लोग अच्छा हमारे में से पूरा 45 का स्टाफ वहां से भागा हुआ अच्छा वहीं से 45 का स्टाफ अरे बाप रे ये सिर्फ नेताओं लोग के मतलब स्टेट स्टेट वाइज के होंगे हर स्टेट के अलग अलग ही कोटेज है क्या नहीं सर कोटेज एक ही है कोई भी रुक सकता है कोई भी रुक सकता है अच्छा कोई भी रुक सकता है मतलब गवर्नमेंट का पर्ची चाहिए कि ऐसे भी गवर्नमेंट का पर्ची चाहिए अच्छा लेटर लेके अगर मैं ये कबूतर शौक क्या पालते हैं कि बेचते हैं शौकिया अलाउड नहीं करते नहीं मतलब मैं इस रोड में जितने भी हम लोग जहाँ से आए जैसलमेर से आए हैं यहाँ पे जगह जगह एक तो पूरा वो कबूतर का बना हुआ है वो बेचते होंगे ना क्योंकि हम लोग जैसलमेर से हम लोग मतलब माउंट आबू रोड में हर गांव में मतलब हर तीसरे गांव में था वो बेचते बेचते है ना मैं वही बोला कि बेचते होंगे बोलते हैं नहीं बोलते बैन है बोलता है कबूतर बेचना बैन है बोल रहा था मैं ऐसा तो नहीं है कि कबूतर बेचना कहीं बैन तो नहीं सुना मैं क्या चीज़ का अरे बारिश का बहता हुआ पानी है ना पूरा बारिश कर रहा है अभी 12 फीट और आएगा अभी और आएगा बारिश में बढ़ जाता है हां बारिश में बढ़ेगा तो जलता है रोटी हां और पानी का स्रोत यही है बस बारिश का ही है नहीं मतलब यहाँ पूरा शहर के लिए पीने का पानी पानी यही से आता है स्रोत यही मतलब छोटे मोटे सब पत्थर टक जाएंगे फिर आप लोग फिर आप लोग का अंदाजा रहता है कि यहाँ जाना नहीं जाना आप लोग को अभी हमारे को देख के चलाना पड़ता है उस टाइम पे देख के नहीं चलाना पड़ता मन मर्जी जैसे चला सकते हो ऐसा ऊपर रहता है ना कहीं कटरा का डर नहीं रहे अच्छा अच्छा अभी देख के चलना है अभी पानी कम है ना सर अभी पत्थर टकराना ज्यादा चाह रहे अच्छा नीचे पत्थर है अच्छा पत्थर ही पत्थर है तो रह गई है पानी अब बारिश में बढ़ जाएगा बारिश में बढ़ जाएगा मानसून पूरा बन जाएगा बारिश का बाकी आराम नहीं अच्छा नहीं इस बार मानसून लेट है हर जगह हमारे यहाँ भी अभी गिर रहा है हमारे यहाँ मछली इसके अंदर अच्छा अच्छा इसी का तो 35 किलो है सांप भी अंदर रहेगा वो अभी वैसे भी जैसे नहीं गया ना कोई नहीं खाता यहाँ पर मटन ज्यादा चलता है बकरे में लाल मांस यहाँ लाल मांस मिलता है यहाँ यहाँ अधिकतर तो आप लोग से ज्यादा लाते नीचे से लाते ना उदयपुर में तो मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर क्या अधिकतर सर क्या लाल का नहीं है मतलब पॉपुलेशन दोनों की बराबर है कि कम है ना मुस्लिम की मुस्लिम कम है यहाँ पर कम है ना ज़्यादा ज़्यादा है आप लोग कैसे सैलरी बेस्ड रहते हो कैसे रहते हैं सैलरी रहती है आप लोग
35-45 लोग स्टाफ है आपको ना? बोट पूरी गवर्नमेंट प्राइवेट है। अच्छा, गवर्नमेंट वाला टेंडर रहता है, वो लेकर फिर अपना फीस करता है। हर साल होता है कि 5 साल का रहता है? हाँ सेम अपने टाइप का, मतलब जन्माष्टमी मैंने डाउट से, कल मैं डाउट से फोन किया बुकिंग होटल, बोले आपको आज मिल जाए। मैं दारू बंद इसलिए आते होंगे। जाता रहा अहमदाबाद पास वाले आते हूँ। पालमपुर मैसा नहीं जा रहा। पालमपुर अच्छा है कि ऐसी है? अच्छा सिटी है पालमपुर। अच्छा, यहाँ पे जो आमिर खान की कयामत का इम्तिहान मिल गया। हाँ हाँ, टोटरों का सर। अच्छा, इस रोड का पत्थर के ऊपर से टोटर को ऊपर से गुजरा था, बता था ना सर। अच्छा, ये यहाँ का बंजी जंपिंग का झूला है। अच्छा, अरे वो देख बंजी जंप हमारा झूला। ये बंजी जंपिंग का माउंट ये मैम जैसा आपको शायद पीछे ले जाएगा, पीछे वाले जो बोल खड़ा मैं वहाँ तक पीछे खींच के लेके जा, वहाँ से फिर छोड़ेगा, फिर झूलते जाओ। दीदी उसके बाद वो क्या वो देखिए ना, क्या बोलते हैं जो बैटरी में रॉबर्ट चलता है, रॉबर्ट टाइप वहाँ पहुँचा बैटरी लो जाता है। हाँ बैठो भाई, थोड़ा और नॉरिंग का फ्रेंड्स कैसे हो। मैं अभी माउंट आबू में जैन मंदिर के पास में हूँ, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। रास्ते बहुत आड़े तिरछे हैं, वहाँ के बहुत ही लोकेशन बहुत ही आगे पीछे मिले हुए हैं, तो आप थोड़ा देख के जाइएगा। शनिवार रविवार को अवॉइड कीजिएगा, आपसे विनम्य है ना, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। देखिए इतना बड़ा रास्ता है और रास्ते में वन वे ट्रैफिक है, गाड़ी आपकी रुकेगी, हर जगह रुकेगी और पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। संडे है इसलिए आप देखिए। बाय दोस्तों। दोस्तों मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, आजू बाजू में बहुत सारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा ही अगर लोकप्रिय होता तो मेरे हिसाब से अभी बहुत भीड़ रहता है, क्योंकि शनिवार और रविवार को यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे एक आस्था जैसे है, जैसे जिनका भी है, जैसे जैन जिनका भी है, उनका जो आस्था है उन्हीं की ज़्यादा आस्था है। बाकी माउंट आबू अपने हिसाब से घूमने आते हैं और फिर जब समय मिलता है तो यहाँ पे दर्शन करने आ जाते। एकदम आज लास्ट डे शनिवार है, उसके बावजूद भी पूरा खुला खुला जगह। ये है दिगंबर टेंपल, 1463 जैन मंदिर है माउंट आबू का। ये देखिए घंटी का प्रयोग रात्रि में करें, है ना। मंदिर के अंदर जा रहे हैं,
मान डालते हैं लो। अच्छे बोले इकड़ा हाँ तो जूता पहन कर रहा थे मैंने। अच्छा मुझे तो स्नानग्रह भोजनालय शौचनालय ये आप पीछे देख सकते हैं पूरा मंदिर है और इनके लिए पर्सनल रूम भी है। बहुत अच्छा देख सकते हैं पीछे बहुत बढ़िया। माउंट आबू में बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी करके रखे हैं। देखिए यहाँ पे लोग रहते हैं जो भी संस्था के रहते हैं जो संस्था वाले और जो यहाँ की देखभाल करते हैं। अब ये देखिए आप इनका मंदिर का जो है चारों तरफ से हम दर्शन करके दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे कैसा कैसा है लोकेशन। ये आपका ये फ्रंट लुक आ गया है माउंट आबू के अपने ये मंदिर का। बापरे देखो देख रहे हो ये है मंदिर। भाई वो बेकार था ये क्या नाम था उसका और इसी चीज को है ना होटल भाग्यलक्ष्मी ना होटल भाग्यलक्ष्मी आबू रोड में जस्ट उतरते ही माउंट आबू से उतरते ही लेफ्ट साइड में फर्स्ट होटल है भाग्यलक्ष्मी। और भाग्यलक्ष्मी के बाजू में भाग्यवती बार भी था रेस्टोरेंट भी है। हाँ। और भाग्यलक्ष्मी रेस्टोरेंट भाग्यलक्ष्मी रेस्टोरेंट। हाँ। बिल्कुल थर्ड क्लास खाना उस पे और भूल के मत जाना भूल कर भी मत जाना। दोस्तों हम निकल चुके हैं माउंट आबू से बाहर जैसे अपना जोधपुर की ओर रास्ते में है हम और बाकी बता चुके हैं जो होटल्स के बारे में जो बहुत ही घटिया होटल है भाग्यलक्ष्मी होटल माउंट आबू रोड में है जो फ्लाईओवर चढ़ने से पहले नीचे में ही है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग MS विविध थंब रूल्स। थैंक